सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं द सोशल हाइब्रिड। और आज हम बात करेंगे वेस्पा के बारे में, वेस्पा के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। ये वीडियो बहुत दिनों से ड्यू था, तो आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा है वेस्पा का, जिसमें मेरे फ्रेंड की वेस्पा हमने देखी थी और उसका यूज़र रिव्यू किया था, वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो मैं लिंक डाल रहा हूँ आई बटन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी बात करेंगे कुछ वेस्पा के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वेस्पा के प्रोज़ के बारे में। प्रोज़ बहुत सारे हैं, जैसा कि मैंने पिछले मेरे वीडियो में बताया है, प्रोज़ बहुत सारे हैं वेस्पा में। सबसे पहली बात, उसका इंजन, आपको 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि BS6 कंप्लायंट है, और 125cc का इंजन है उसका, जो कि इनफ पावर प्रोड्यूस करता है, और फ्यूल इंजेक्शन भी है इसमें। आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट मशीन। वेस्पा जो है ये मोनोकॉक बॉडी है पूरी की पूरी, जो कि मेटेलिक बॉडी है इसकी, और मोनोकॉक का मतलब होता है कि वेस्पा इज़ अ फुल सिंगल पीस। वेस्पा कितनी भी पुरानी हो जाए, आप अगर देखते होंगे, अगर कोई पुरानी वेस्पा भी अगर आपने चलाई होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें से कुछ भी आवाज़ नहीं आती है, कुछ भी वाइब्रेशंस वगैरह कुछ भी फील नहीं होते हैं, क्योंकि इट इज़ अ मोनोकॉक बॉडी। LED हेडलैम्प आता है वेस्पा में, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इंटेंसिटी चेंज स्विच भी आता है इसके साथ, जिससे कि आपका जो DRL है उसका इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, और प्रीटी डिसेंट वर्क्स रियली फाइन, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, इट गिव्स अ प्रीमियम फील। डिस्क ब्रेक्स आते हैं वेस्पा में, फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगा, और वेस्पा में भी आपको जैसे हमारी बर्गमैन में है वैसा कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो कि फ्रंट और रियर का जो ब्रेक है आपका, वो आप अगर रियर का ब्रेक अगर आपका आप अप्लाई करेंगे तो उसमें फ्रंट और रियर दोनों भी ब्रेक्स अप्लाई होते हैं, विच इज़ कॉल्ड द कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम CBS। सो CBS भी है वेस्पा में, विच इज़ अ गुड थिंग। वेस्पा का सस्पेंशन जो है वो बहुत ही यूनिक है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट्स, जो कि है हाइड्रोलिक सिंगल आर्म सस्पेंशन, जो फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलता है इसमें, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट वेस्पा, जो कि आपको किसी और स्कूटर में नहीं मिलेगा। वन मोर प्रोज ऑफ वेस्पा कि इसका जो अलॉय व्हील्स हैं, वेस्पा के जो अलॉय व्हील्स हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक है। ऐसे अलॉय व्हील्स आपको दूसरे किसी स्कूटर में देखने को नहीं मिलेंगे। इटालियन ब्यूटी है वेस्पा, तो ये सब तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। वो अंडर सीट स्टोरेज मिलता है वेस्पा में, वो बहुत अच्छा स्टोरेज है, और वहाँ पर आपको लाइट भी मिलता है, जिसे कि यूटिलिटी बॉक्स लाइट भी कहा जाता है, और साथ ही में आपको वहीं पर चार्जर भी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल स्टार्टर के साथ में आपको किक भी मिलती है, अगर आपकी बैटरी ड्रेन हो चुकी है और आप कहीं पर अटक गए हैं तो आप वेस्पा को किक स्टार्ट भी कर सकते हैं। 7.4 लीटर्स का फ्यूल टैंक इसमें आता है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वेस्पा का। बहुत लोगों के लिए ये चीज़ मायने रखती है जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। वेस्पा में ब्रॉड सिलेक्शन ऑफ कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ब्रॉड मींस आपको दूसरे किसी भी स्कूटर में इतने सारे कलर्स देखने को नहीं मिलते हैं। वेस्पा में आपको नियर अबाउट 14 डिफरेंट कलर्स मिलते हैं चूज़ करने के लिए, तो इट इज़ अ ह्यूज ह्यूज प्लस पॉइंट। तो हो गए सारे प्रोज वेस्पा के बारे में, अब बात करते हैं वेस्पा के कॉन्स के बारे में। और ये ऐसे कॉन्स हैं जो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो अगर आपको वेस्पा लेनी है तो आपको ये सारे कॉन्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला और मेजर कॉन वेस्पा का जो है वो है इसका प्राइस पॉइंट। वेस्पा इज़ 1.28 लाख एक्स शोरूम। ओके, तो आप अगर वेस्पा लेने वाले हैं तो आपकी जेब ढीली होने वाली है। वेस्पा इज़ वेरी प्राइसी, और इस प्राइस पॉइंट पे आई थिंक वेस्पा कैन गिव अ लॉट ऑफ न्यू फीचर्स आई थिंक। जैसे कि इसका और एक कॉन है कि इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। सो आई वांट टू से कि आजकल बहुत सारी जो स्कूटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड स्कूटर्स हैं, स्टैंडर्ड वेरिएंट्स हैं स्कूटर के, उसमें भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर पूरा देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक फॉर दिस प्राइस पॉइंट वेस्पा शुड प्रोवाइड अ फुल डिजिटल। आपको इस प्राइस पॉइंट पे TFT कलर डिस्प्ले मिलना चाहिए। हम लोग मान सकते हैं कि इतना अगर आप प्राइस ले रहे हैं तो आप इतना तो दे ही सकते हैं आपके स्कूटर में, तो वो कंपटीशन के हिसाब से इसका प्राइस पॉइंट तो हाई है ही, और इसमें उतने ज़्यादा फीचर्स भी आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके वेट के बारे में। तो 115 kgs का वेस्पा का वेट है, जो कि इट इज़ ऑन अ वेरी हायर साइड। ज़्यादा लेडीज़ इसे प्रेफर करती हैं लेने के लिए और राइड करने के लिए वेस्पा को, और उनके लिए ये जो वेट है ये संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था जब उसने वेस्पा लिया था, वाइफ को थोड़ी प्रॉब्लम होती है चलाने में, क्योंकि इट इज़ एन ऑल मेटालिक बॉडी वेस्पा जो है, इसकी वजह से इसका वेट थोड़ा हायर साइड पर है। इसका जो फुट बोर्ड है ये बहुत ही नैरो है,
और हम लोग जो स्कूटर चलाते हैं, स्कूटर इसलिए चलाते हैं कि हमको बाहर से जाकर कुछ सामान लेके आना पड़ता है जल्दी से। तो आपको एक फुटबोर्ड चाहिए वह सामान रखने के लिए। पार्टीशन भी है इसके अंदर एक, और बहुत नैरो भी है। मैंने जब चलाया था वेस्पा को तो आई वॉज़ फीलिंग क्रैम्प्ड, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था उसके फुटबोर्ड पे पैर रखने के लिए, क्योंकि पैर आपके इतने पास में होते हैं उसका फुटबोर्ड नैरो होने की वजह से। और वो नैरोनेस की वजह से क्या होता है कि आपके पैर के पास में फुटबोर्ड पर कुछ सामान भी नहीं रख पाएंगे। मेरा जो बैग था वो मैंने रखा हुआ था वहाँ पर उसकी वजह से आई वॉज़ फीलिंग वेरी क्रैम्प्ड ड्यूरिंग राइडिंग वेस्पा। नेक्स्ट है इसका माइलेज। माइलेज मैंने सुना है इसका बहुत ही कम देती है वेस्पा, और बहुत जल्दी बहुत कम माइलेज देने लग जाती है। और ये बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं इनके क्वेरीज हैं, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि वेस्पा जो है वो माइलेज बहुत कम देने लग जाती है, एंड पीपल हैव रिपोर्टेड एज लेस एज 26 का माइलेज। नेक्स्ट आता है इसका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। इसके स्पेयर पार्ट्स अगर आप देखने जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था इसमें एक प्रो है कि इसमें यूटिलिटी बॉक्स में लाइट आता है, तो वो लाइट अगर आपका बाई चांस ख़राब हो जाता है तो आपको एक तो स्पेयर पार्ट्स बहुत लेट मिलते हैं, कभी कभी 1 महीना 1.5 महीना तक रुकना पड़ता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वेस्पा के वो बोल रहे हैं। मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, इसे पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही मेजर कॉन हो जाता है किसी भी व्हीकल के बारे में, अगर स्पेयर पार्ट्स अगर आपको जल्दी से नहीं मिल रहे हैं तो आपको वो ही कंडीशन में आपकी बाइक या फिर कोई भी स्कूटर या फिर कोई भी कार है आपकी, वो राइड करनी पड़ती है, और यूज़र एक्सपीरियंस उससे ख़राब होता है। तो दैट इज़ अ मेजर कॉन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका आफ्टर सेल सर्विस। अब मैं आपको और थोड़े स्क्रीनशॉट्स बताता हूँ एग्जिस्टिंग यूज़र्स वेस्पा के, उन्होंने ये जो रिव्यूज़ दिए हैं, ये रिव्यूज़ में पढ़ के बहुत हैरान हो गया था कि वेस्पा की आफ्टर सेल सर्विस इतनी ख़राब हो सकती है। मतलब ये देखिए आप, ये एक कस्टमर है, इन्होंने क्या क्या बताया है इसमें। जो सर्विस सेंटर्स हैं, जो पास में के सर्विस सेंटर्स हैं जिसे देखते हुए लोगों ने वेस्पा ख़रीदी थी, वो उनके पास में के सर्विस सेंटर्स भी क्लोज डाउन हो रहे हैं। वेस्पा इज़ अ मेजर ब्रांड, और इतना इसका आफ्टर सेल सर्विस में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक फीचर है वेस्पा के बारे में। मेरा वर्डिक्ट ये है कि वेस्पा उन कस्टमर्स के लिए अच्छी है जो इसका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है वो बेयर कर सकते हैं। आपको ब्रॉड सिलेक्शन ऑफ कलर्स वेस्पा का जो है वो अच्छा लगता है, तो उसके लिए आप बेशक ले सकते हैं। वेस्पा इज़ अ वेरी गुड लुकिंग स्कूटर आउट देयर। जो वेस्पा का जो कॉम्पिटिशन है उसको देखते हुए वेस्पा के जो लुक्स हैं वो बहुत अच्छे लुक्स हैं, बट यू हैव टू बेयर द एक्सपेंसेस आफ्टर बाइंग इट। तो ये था मेरा वर्डिक्ट, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।